This university also attained Dr. Shisha, she is in the Republic team, both for English and Russian. This is many university and other media personnel. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Afternoon. Fourth estate of the, democracy would play a role. Besides, the Vice Chancellor's ambitious plan now is to attract the foreign students in this university. Not only foreign students from the destination. Destination is to attract the foreign students and other students from nation. VCSA will be speaking about. So that's about how to change agriculture to the next level. That is from subsistence kind of agriculture to sustainable. You know what we are selling food for us? We don't have those homeless people, which are problems with ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर में है, जिसका पूरा नाम है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शालीमार जिसके हेडक्वार्टर है। इसने एक आज बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव ये है कि हम देश से और विदेश के बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में इस साल से एडमिशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। और ये जो प्रोग्राम है एडमिशन ऑफ नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आज से शुरू हुआ है। हमने बाज़ाब्ता आज इसका ऐलान किया है। और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की भी एक नोटिफिकेशन आई हुई है, जिन्होंने ये कहा कि सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हिंदुस्तान में बाहर के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहिए, ताकि जो हमारा फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जो पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, कुछ हम वापस भी लाएंगे अपने देश में और ये ट्रेंड को रिवर्स करेंगे। और कश्मीर चूँकि एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है एजुकेशन के लिए, हमने ये सोचा इस यूनिवर्सिटी से कि हम एक नया चैप्टर यूटी जम्मू कश्मीर में खोलेंगे, और वो चैप्टर है एजुकेशनल टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, और हमारी जो मैसेज है बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ को, वो भी ऐसा ही करें, ताकि पूरे J&K में ऐसा कल्चर आम हो जाए। पार्क का वो प्रोवर्मेंटल एक अपना एक प्रोग्राम है, एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में जाते, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जहाँ से बाहर के बच्चे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बच्चे बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है, उनका जो रेशियो है, प्रपोर्शन है, वो बहुत कम है। हम उससे आगे जा रहे हैं। वी आर गोइंग डूइंग दीज एडमिशन ओवर एंड अबो। गोल ये है कि बाहर के बच्चों को यहाँ पर लाएँ और उनको एज एम्बेसडर हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर जो है ना जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की जो छवि है वो हम बाहर तक ले जाएंगे, अपनी जो इमेज है और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स हम यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। मैं स्टूडेंट हूँ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की। तो आज जो यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में प्रेस मीट हुई थी, दैट वाज रिगार्डिंग कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हमारा एक ब्रोशर लॉन्च किया गया है। इट वाज अबाउट टाइम ये स्टेप लिया जाए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम लोगों का बीट, एंड इवन हमारा जो साइंटिफिक लिटरेचर हमारी यूनिवर्सिटी से पब्लिश होता है वो वर्ल्ड क्लास है। ऑलरेडी हमारी यूनिवर्सिटी फिगर करती है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दिस कंट्री में, एंड हमारी एजुकेशन इट इज़ बियॉन्ड एक्सेलेंट। हमारे स्टूडेंट्स जो है नेशनली इंटरनेशनली अवार्ड्स में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और वहाँ जीत चुके हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट हाउस का एक इवेंट था, नेशनल एलोकेशन कॉम्पिटिशन हो या रीजनल लेवल का कोई डिबेट हो, हमारे स्टूडेंट्स से हर जगह कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई ऐसा लॉरल लाया है। हमारी इंटरनेशनल सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा हुई है, बी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जनरली फ्रॉम आई यूनिवर्सिटी, दे हैव बीन टू कंट्रीज लाइक इटली। हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में ऑलरेडी जा चुके हैं टू कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऐसा एक स्टेप जो था, आई थिंक इट वाज अ वेरी नेसेसरी स्टेप, बिकॉज जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट और इंटरनेशनल ऑडियंस एक यूनिवर्सिटी में आती है, उससे एक कल्चरल एनरिचमेंट हो जाती है यूनिवर्सिटी के कल्चर की। यूनिवर्सिटी बिकम्स मोर लाइवली, वी अंडरस्टैंड कि वट एक्सपीरियंसेस दे ब्रिंग टू द टेबल एंड वट वी ब्रिंग टू द टेबल। ऑलरेडी द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस डे एंड एज, एंड एक
एक कंट्री में दैट इज लैंड लॉक फॉर लाइक सिक्स मंथ्स ऑफ द ईयर दैट इज समथिंग आई हैव हर्ड नॉट समथिंग आई बिलीव तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये एक रिक्वायरमेंट थी ताकि हम एक वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर दे सके हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स को हमारी स्टेट को और दैट इज समथिंग दैट वॉज रिक्वायर्ड आज इंटरनेट की वजह से हमारी जो दुनिया है ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हमारी यूनिवर्सिटी एक नॉवल यूनिवर्सिटी है जिसने इस फील्ड में फाइनली अपना ये नाम कर दिया